नमस्कार, आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इस पे मैं अब तक 13 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं और ये वीडियो नंबर 14 है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो कि थ्योरम 2.4 है, प्रमेय 2.4 है, इसे सिद्ध करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आती है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। एक्चुअली ये थ्योरम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये आगे जो कुछ क्वेश्चंस और आते हैं उनको प्रूव करने में एक तरह का टूल बनता है, एक हथियार बनता है, यानी हम इसको बेस मानकर आगे कई क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये खुद अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम में थ्योरम अपने आप में क्वेश्चन बन के आता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब मैं इस क्वेश्चन को करूँ उसके पहले कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, जिसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो है एक विधि, एक मेथड जो इसको फॉलो करके अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। वो विधि है विरोधाभास की विधि, या इंग्लिश में कहें तो कहेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखा ना मैंने, हम इस थ्योरम में विरोधाभास विधि यानी कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। ये तो पहली बात। दूसरी बात जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके इसमें मैथ्स में ही, इसी चैप्टर के अंदर। वो थ्योरम है 2.3। क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है स्मॉल पी, और एक पॉजिटिव इंटेजर है स्मॉल ए, तो अगर स्मॉल पी स्मॉल ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो स्मॉल पी ए को भी डिवाइड करेगा। यानी कि ये जो अभाज्य संख्या पी जिसको हमने माना है, अगर धनात्मक पूर्णांक जो है पॉजिटिव इंटीजर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी जो है अभाज्य संख्या वो ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट यानी कि ए को भी डिवाइड करेगी। आप इसको यूँ समझें, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, कि अगर 3 9 को डिवाइड करता है, देखिए 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो 3 9 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे केवल, ठीक है ना। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये है थ्योरम 2.3, इसको मैं काम में लूँगा। और एक बात बताई मैंने आपको, विरोधाभास की विधि यानी कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि हमें जिस चीज़ को प्रूव करना होता है ना उसका उल्टा मानते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये रूट टू एक इरेशनल नंबर है, हम इसको मानेंगे ये रेशनल है, यानी जो प्रूव करना है उसका उल्टा, उसका विरोधी। और फिर क्या कहेंगे, कुछ तर्क देंगे, कुछ बातें बताएंगे और कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, जो हमने माना वो तो गलत माना था, यानी कि वो तो मतलब रेशनल नहीं है। और जब रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इरेशनल। क्योंकि कोई रियल नंबर जो होती है ना वो या तो होती है रेशनल या होती इरेशनल, और रियल नंबर तो है ही है, और अगर वो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगी। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई है। इसको प्रूव करने से पहले मैंने दोनों बातें बता दी है कि एक तो हम विरोधाभास की विधि काम में लेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे शुरुआत में, और दूसरा हम एक थ्योरम 2.3 को काम में लेंगे कि अगर स्मॉल पी स्मॉल ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। स्मॉल पी एक प्राइम नंबर है और स्मॉल ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं सवाल शुरू करता हूँ। स्टेप 1, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। मैंने कहा ना उल्टा मानेंगे, प्रूव तो करना है इरेशनल, मान लिया मैंने रेशनल, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है, और परिमेय संख्या जो होती है यानी रेशनल नंबर जो होता है वो दो इंटीजर का रेशियो होता है। यानी कि मैंने मान लिया कि रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू दो पूर्णांक हैं,
परंतु क्यू जो है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो पी वो क्यू पूर्णांक है, क्यू ज़ीरो नहीं है। एक बात मैंने और मान ली, ये जो मैंने पी और क्यू माने ना, इनको मैंने को प्राइम माना है। को प्राइम का मतलब जिनको आप सिवाय एक के और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि चार और पाँच को प्राइम है। चार और पाँच दोनों को एक साथ आप सिवाय एक से किसी से डिवाइड कर ही नहीं सकते, जैसे कि 12 और 13 को प्राइम है। हालांकि 12 जो है वो अपने प्राइम नहीं है, 12 को तो आप एक से, दो से, तीन से, चार से, छः से, 12 से कर सकते हो, लेकिन 12 और 13 को एक साथ लें तो आप सिवाय एक के किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमने पी और क्यू को प्राइम नंबर माना है, यानी पी और क्यू दोनों को सिवाय एक से किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा हमने माना है। एक्चुअली हम प्रूव क्या करेंगे कि मैंने ये मान लिया कि पी और क्यू को प्राइम है, और इसके आधार पर मैं आगे काम करूँगा और बाद में प्रूव कर दूँगा ये को प्राइम नहीं है, यानी जो हमने माना वो गलत था, यानी कि जो हमने माना वो रेशनल था वो गलत था, इसका मतलब वो इरेशनल है। इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट टू क्यू इजिकल टू पी, रूट टू क्यू इजिकल टू पी। अब दोनों और का स्क्वायर किया, रूट टू का स्क्वायर टू, क्यू का क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर, रूट टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि क्यू जब कोई इंटेजर है तो क्यू स्क्वायर भी कोई इंटेजर ही होगा, पी कोई इंटेजर है तो पी स्क्वायर भी इंटेजर ही होगा, और ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब ये जो दो क्यू स्क्वायर है ना, इसमें एक फैक्टर क्या आ रहा है, दो, यानी कि दो क्यू स्क्वायर को आप दो से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा लिखा मैंने, अब क्योंकि दो क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो है वो दो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है। देखिएगा, इट मीन्स दो दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है। परंतु भाई दो क्यू स्क्वायर जो है वो तो पी स्क्वायर था। अगर दो दो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देखिए, अर्थात दो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, क्योंकि दो क्यू स्क्वायर जो है ना वो पी स्क्वायर के बराबर है। और दो अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दो पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 2.3 में पहले कह चुका था आपको, मैंने बताया था, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यानी पी यानी कि दो पी को भी डिवाइड करेगा। अब अगर दो पी को डिवाइड करता है तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो पी है वो दो का गुणज है, यानी दो का मल्टीपल है। मैंने कहा ना दो पी को डिवाइड करता है, यानी पी को मैंने दो आर मान लिया, आर कोई इंटेजर है। देखिए, मैंने पी को दो आर माना, इसका मतलब पी को दो से डिवाइड कर सकता हूँ। ये किस बेस पे माना मैंने, इस बेस पे माना कि दो पी को डिवाइड करता है। अगर दो पी को डिवाइड करता है तो मैंने पी को मान लिया दो आर, आर को इंटेजर है। अब अगर पी बराबर दो आर है तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि पी स्क्वायर किसके बराबर है, कि देखिएगा पी स्क्वायर बराबर था आपका टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा ना ये पी स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने टू क्यू स्क्वायर, तो टू क्यू स्क्वायर बराबर चार आर स्क्वायर। इसका मतलब दो क्यू स्क्वायर बराबर मैंने चार को लिख दिया, दो गुणा दो इंटू आर स्क्वायर, और ये एक दो कट गया तो हो गया क्यू स्क्वायर बराबर दो आर स्क्वायर। अब दो आर स्क्वायर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर एक फैक्टर दो है, आ रहा ना, दो इंटू आर स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको, यानी कि दो आर स्क्वायर को दो से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन दो आर स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं दो आर स्क्वायर को दो से डिवाइड कर सकता हूँ तो मैं क्यू स्क्वायर को भी दो से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि क्यू स्क्वायर दो आर स्क्वायर ही है, लिखा ना मैंने, क्योंकि दो आर स्क्वायर दो से डिविजिबल है, विभाज्य है, इसलिए दो जो है वो दो आर स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि दो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि दो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही है। और अगर दो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दो क्यू को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम 2.3। अब देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि दो पी को भी डिवाइड करेगा, इसको मैंने नंबर तीन कहा था, दो पी को डिवाइड करेगा। यहाँ लिखा मैंने दो क्यू को भी डिवाइड करेगा, इसको मैं नंबर चार कह दिया।
अब ये दो स्टेटमेंट देखिए जरा कि दो पी को भी डिवाइड करता है और दो क्यू को भी डिवाइड करता है, और हमने पी को, पी और क्यू को क्या माना था, को प्राइम, यानी कि जिनको अपन एक के अलावा किसी और से काट नहीं सकते, पर यहाँ तो कह रहा है कि पी और क्यू दोनों को दो से डिवाइड कर सकते हैं, ये कह रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए ध्यान से, तीन और चार से स्पष्ट है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम थ्योरम फोर कि दो पी और क्यू दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब पी और क्यू सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि पी और क्यू दोनों को दो से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये को प्राइम नहीं है। परंतु एक और पाँच, इसको मैंने पाँच नंबर कहा, और एक नंबर मैंने किसको कहा था याद कीजिए, ये देखिए एक नंबर, ये रहा एक नंबर, शुरुआत में एक नंबर मैंने कहा था पी और क्यू सह अभाज्य हैं, यानी कि को प्राइम है, नंबर एक। और नंबर पाँच क्या कह रहा है कि नंबर पाँच ये कह रहा है कि पी और क्यू सह अभाज्य नहीं है। हमने शुरुआत की थी कि पी और क्यू सह अभाज्य है, और उसके बेस पे प्रूव किया कि पी और क्यू सह अभाज्य नहीं है, यानी ये दो जो स्टेटमेंट है ना, एक और पाँच, ये परस्पर विरोधाभासी हैं, यानी कि म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्ट्री है। इसका मतलब कि रूट दो परमेय संख्या नहीं है, जिसको मान के हमने चला था वो नहीं है, और अगर परमेय संख्या नहीं है तो डेफिनेटली वो अपरमेय है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिलकर ही बनती है रियल नंबर्स, और अगर वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली इरेशनल है। इसका मतलब रूट दो एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि परमेय व अपरमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या होती हैं, और पी अपॉन क्यू वास्तविक संख्या तो है ही, और वास्तविक संख्या तो है पर वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल है। ये बहुत मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, आप इसको वीडियो को मेरे को बार बार सुनेंगे अगर मेरी आवाज़ को, और स्टेप को समझ लेंगे तो कभी आप एग्ज़ाम में इसको गलत नहीं करेंगे, और आप आगे भी इसको कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें ताकि उनको फ़ायदा मिले। और अगर आपने मेरे चैनल आर पी वी एस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।